स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिवीजन। पहले मैं एक वीडियो मल्टीप्लिकेशन पर डाल चुका हूँ, तो जो अब की वीडियो है डिवीजन, हम सिखाएंगे आपको डिवीजन होता क्या है और कैसे किया जाता है। तो डिवीजन क्या होता है कि एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब, जैसे कि हमारे पास 32 है, इसमें से हमने 8 को माइनस किया, उसके बाद आपके पास बचा है 24, उसके बाद फिर हमने 8 को माइनस किया 16, उसके बाद फिर हमने 8 से माइनस किया 8, और फिर 8 को माइनस किया 0। यानी कि एक ही नंबर को हम बार बार रिपीट करके जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को हम डिवाइड बोलते हैं। जैसे हमने कितने टाइम इसको सब्ट्रैक्ट किया है, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बचा है, 0। तो इसी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को हम डिवीजन बोलते हैं। तो जब भी हमें किसी लॉन्ग टर्म में या किसी नंबर को ज़्यादा टाइम रिपीट करके हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो हम उसको डिवीजन से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए यही इस किस्म की हम बात करते हैं, तो हमारे पास मान लीजिए कि 32 चॉकलेट्स हैं और हमें कि 8 चॉकलेट्स सभी को देनी है, तो हम कितने बच्चों को दे पाएंगे। तो ऐसे पहले हमने 8 एक बच्चे को दे दी, हमारे पास बच गए 24, उसके बाद फिर हमने 8 चॉकलेट किसी बच्चे को दे दी, उसके बाद हमारे पास बच्चे 16, उसके बाद फिर हमने 8 चॉकलेट किसी बच्चे को दी है, उसके बाद 8 बच गई और फिर 8 जो बची हुई थी वो किसी को दे दी, तो हमारे पास अभी कोई चॉकलेट नहीं है। तो कितने बच्चों को चॉकलेट मिली, 1, 2, 3, 4, तो 4 आंसर आ जाएगी, 4 बच्चों को हमने चॉकलेट बांट दी है। तो इसी रिपीट सब्ट्रैक्शन को हम डिवीजन से सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे था 32, यहाँ पे है 8। अब 8 की टेबल हम लिख लेंगे, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। तो 8 के टेबल में कहाँ पे आता है 32, 1, 2, 3, 4, यानी कि 8 4 32, तो यहाँ पे सीधा 8 4 यहाँ पे लिखेंगे और 32 यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो अब यहाँ पे जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। जिस नंबर को हमने डिवाइड किया है उसको बोलते हैं डिविडेंड। और जो आंसर यहां पे हमारा आया है इसको बोलते हैं क्वोशेंट। और यहां पे जो बच जाता है डिवाइड करने के बाद इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो ये डिविडेंड है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, ये होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे हमने भी यहां पे डिवाइड किया 32 को 8 से डिवाइड किया, तो 8 क्या, 32 क्या है हमारा डिविडेंड, डिवाइजर क्या था 8 मल्टीप्लाई क्वोशेंट क्या आया था 4 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो 8 4 32 + 0 = 32। तो ये दोनों जब इक्वल आएंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हम चेक कर सकते हैं ऐसे। तो जब अब हम बढ़ते हैं आगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं वो आगे एग्जाम्पल करवाते रहेंगे आपको, साथ के साथ रूल भी बताएंगे। अभी हमें मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड करना है 72 को 6 से डिवाइड करेंगे, तब यहाँ पे ये नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कि डिवाइजर, इसमें जो उसका डिजिट देखेंगे फर्स्ट इस साइड से, यानी कि बिल्कुल हम चेक करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड से, यहाँ पे 7 और 7 क्या है 6 से ग्रेटर है। तो अब हम 6 की टेबल में से इसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो देखेंगे, 6 की हम टेबल लिख लेंगे, 6 12 18 24
36, 42, 48, 54 एंड 60। तो ऐसा नहीं है कि हम सीधा 60 पे हम लेके चले इसको डिवीजन को। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं कभी भी किसी भी टेबल पे, हम 10 पे नहीं जा सकते, तो वहां पे हम 6 की टेबल या कुछ जो भी हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उस टेबल को हम 0 से लेकर 9 तक ही रीड कर सकते हैं, सीधा 10 पे हम नहीं जा सकते। तो यहां पे होगा 6 वन जा 6 माइनस करेंगे यहां पे बचेगा आपका 1। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो नीचे आ जाएगा, यहां पे है 12, तो 6 के टेबल में 12 कहां पे आता है 2 पे, तो यहां पे लिखेंगे 2, 6 2 जा 12 और आपका जो आंसर है वो 12 हो जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन है। जैसे अभी हम एक सम देखेंगे, जैसे हमारे पास अभी एक सम होगा, मान लीजिए हम 70 को ही डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो 7 के टेल में 7 कहां पे आता है 1 पे आता है, 7 1 जा 7, यहां पे 0 बचा है। इसमें जैसे मैंने अभी बताया था कि सीधा हमें पता है कि 7 की टेबल में 70 10 पे आता है, 7 10 जा 70, लेकिन हम सीधा 7 की टेबल 10 पे नहीं लेके जा सकते, तो इसलिए हमें 7 1 जा 7 पे ही इसको चलाना पड़ेगा। उसके बाद हम 0 को नीचे लेके आएंगे, यहां पे 0 हो गया और 7 की टेबल में 0 कहां पे आता है 700, तो 700, तो आपका आंसर यहां पे आ जाएगा 10, यानी कि क्वेश्चन आपका कितना है इसमें 10। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट सम हम लेते हैं। जैसे हमें डिवाइड करना है यहां पे, हम 5 से डिवाइड करें और यहां पे हमें दिया है 545। अब 5 के टेबल आप लिख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो पहला डिजिट हम देखेंगे इसमें जो है 5 है, तो 5 के टेबल में 5 कहां पे आता है 1 पे ही आता है, तो 5 1 जा 5, इसको माइनस किया तो यहां पे बचा है 0। और नेक्स्ट नंबर हम लेके आते हैं वो है 4, ये 5 के टेबल में कहीं पे नहीं है। तो जब ये नंबर इस टेबल में ना हो, तो ये नहीं कि इसको हम स्किप कर दें या आगे चले जाएं, तो इसकी जगह हम लिख देंगे कि 5 के टेबल में नहीं है, तो 5 के टेबल में 0 तो है ना, तो 500। अब 0 इसमें से माइनस करेंगे तो यही आएगा, तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप, लेकिन यहां पे आप 0 अवश्य लिखें, यहां पे आ गया आपका 0। उसके बाद या तो आप 0 लिख के इसको नीचे ले जाएं या इसको ऐसे ही छोड़ दें, और नेक्स्ट नंबर को हम जस्ट नीचे ले आएंगे, तो हम सीधा 5 को नीचे ले आते हैं, यहां पे हो गया आपका 5 और ये नंबर आपका भी 45। तब देखेंगे 5 की टेबल 45 कहां पे है, 5 9 जा 45, तो 5 9 जा 45 और आपका आंसर आ गया 109। तो यही कुछ रूल थे। इसके बाद हम इनको डिवाइड करते हैं कि टू डिजिट के नंबर जो हैं उनसे डिवाइड करेंगे। और जैसे अभी यहां पे 144, तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 की टेबल आपको आनी चाहिए इसके लिए, तो 12 की टेबल आप लिख लेंगे 12 24 36 48, तो यहां पे आपका हो गया 1, लेकिन ये तो 12 से लेस है, तो इसलिए हम एक नंबर और लेते हैं, यहां पे आपका हो गया 14, तो 12 की टेबल 14 कहां पे आता है, तो 12 जो है लेस है वो 14 से, 12 1 जा 12, तो यहां पे इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करें यहां पे बचेगा 2 और नीचे अभी आएगा 4, तो 24 12 की टेबल में कहां पे है 12 2 जा 24, तो यहां पे आप 2 लिखेंगे और 12 2 जा 24, यहां पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका रिमाइंडर बचा है 0। इसके बाद हम एक सम लेते हैं नेक्स्ट, ये है आपका 15 0 45, इसको हम डिवाइड करेंगे 15 से, हमें पता है 15 1 जा 15, यहां पे जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपका बचा है 0, नीचे लेके आएंगे तो नेक्स्ट नंबर भी क्या है 0, लेकिन 0 15 से लेस है, तो 15 के टेल में 0 कहां पे आता है 15 0 0, अब 0 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद यही आएगा, तो इसको हम
ऐसे छोड़ दें और यहाँ पे जीरो लिख दें। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम नीचे लेके आएंगे वो है 4, ये भी 15 से लेस है। तो जब 15 से लेस हो और डिवाइड ना हो तो आप यहाँ पे एक जीरो लगाते जाएं और नेक्स्ट नंबर नीचे ले आए जब तक डिवाइड ना हो। अब 45 है, ये 15 से डिवाइड होता है तो 15 के टेल में 45 कहाँ पे आता है, 15 3 = 45, तो 15 3 = 45 और आपका डिवाइड हो गया कंप्लीट और आपका आंसर है 1003। इसके बाद जैसे हम डिवाइड करते हैं, कुछ सम पास हैं, जैसे हमने डिवाइड किया 72 को 6 से, 6 1 = 6, 1 12, 6 2 = 12, तो जो आपका ये 72 है ये आपका 6 की मल्टीप्लाई 12 से करें या 12 की मल्टीप्लाई 6 से, ये इनके इक्वल होगा। आई होप आपको ये समझ आई होगी। धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।